मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन की बैठक पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मोदी जी के काम की गिनती ने इनके कुनबे के गणित को बिगाड़ दिया है और जब कुनबे का गणित बिगड़ जाता है तो जुगाड़ का जमघट जनादेश के पनघट तक नहीं पहुंचा सकता। जो कुछ हो रहा है ना, ये सियासी मेल नहीं है बल्कि सांप सीढ़ी का खेल है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ सियासी मेल नहीं है, सांप सीढ़ी का खेल है, कि इसमें जो है वो सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले तो फुटकर में हैं और उनकी टांग घसीटने वाले थोक में दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि दिक्कत इनकी ये आई है कि मोदी जी के काम की गिनती ने इस कुनबे का गणित बिगाड़ दिया है। और जब काम की गिनती कुनबे की गणित बिगाड़ दे तो इस तरह के जुगाड़ के जमघटे से जो है वो जुगाड़ का जमघट जो है वो जनादेश के पनघट तक नहीं पहुंचा सकता। 2024 में एनडीए से मुकाबले के लिए विपक्ष ने 26 सियासी दलों के साथ मिलकर इंडिया नाम से गठबंधन तो खड़ा कर लिया, लेकिन शुरुआत से ही इस गठबंधन का नाता विवादों से जुड़ा रहा। आइए आपको एक एक करके हम बताते हैं। दरअसल पहला नाम शरद पवार का है जिन्हें लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। एनसीपी में फूट के बाद अजीत पवार से गुप्त मुलाकात पर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। कांग्रेस के कुछ नेता तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि पवार को मंत्री पद का ऑफर तक मिला है। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। पहले नीतीश कुमार हाल ही में दिल्ली आए, लेकिन विपक्षी दलों के किसी भी नेता से मुलाकात किए बिना ही वो पटना वापस लौट गए और वो आए थे अटल जी को नमन करने के लिए। इसके बाद इससे पहले जून में पटना में हुई पहली बैठक में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर तनातनी रही। वहीं जब दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई तब नीतीश कुमार ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से किनारा कर लिया और वक्त से पहले ही यानी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसी वक्त वो पटना लौट आए। वहीं INDIA गठबंधन का संयोजक बनने से नीतीश कुमार के इनकार के बाद बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने उन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को पद नहीं मिल रहा है और वो अपनी इच्छा भी नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए उन्हें अंगूर खट्टे लग रहे हैं। नीतीश जी तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में इनकी उम्मीदवारी घोषित हो, वो चाहते हैं कि वो कन्वीनर बने, लेकिन जिसको कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, मिल नहीं रहा तो अब कह रहे कि मेरी तो कोई इच्छा नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। पिछले दो महीने से लगातार जदयू फिर यही प्रचार कर रहे थे कि नीतीश जी कन्वीनर बनेंगे, और अब चूंकि लालू यादव ने एक कन्वीनर बनने का जो रास्ता था उस पर कांटा बिछा दिया, बाधा पैदा कर दी। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने जेडीयू और आरजेडी समेत पूरे विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के नेताओं की तुलना अभिनेताओं से की है कि ये सभी नाटक कर रहे हैं। एक नई फिल्म की कहानी जिसका नाम रखा गया है INDIA, इस्लामीकरण, नेपोटिज्म, वंशवादी, डिस्ट्रक्टिव इटालियन एलायंस के घमंडी वंशवादी भ्रष्टाचारी नेता अब अभिनेताओं से गुण सीखने मुंबई जा रहे हैं।